वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। आज हम कुछ सीखेंगे कि कैसे शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन किया जाता है किसी भी नंबर के साथ। तो जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अभी हम देखेंगे कि 5 के साथ बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं, सो हम लोग ऐसा यूज़ करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए, मतलब आराम से किया जाए या ट्रिक्स से किया जाए। तो काफ़ी यूज़फुल तरीका है करने के लिए। तो जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को 975436 इंटू 625, ठीक है। सब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर है, और ये आपको कंटिन्यूस करते जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस और स्टेप्स इसको कंप्लीट करने में। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 625 को आप क्या लिख सकते हो, 5 to the power 4, ठीक है। अब अगर 5 to the power 4 आ गया तो आप इसको कैसे सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हो 5 से। ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि मान लीजिए अगर आप 1 to 5 को 5 square से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, और इस नंबर को कर रहे हो तो भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको बिठाना कितना है, ये कितने हैं आपके 5 0 है, ठीक है। तो आप अगर इसको जितने यहाँ पे 5 है, 5 to the power 4 है, तो जितने यहाँ पे पावर है उस नंबर का उतने 0 बिठा दीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या करिए, 2 to the power 4, जितने यहाँ पे पावर है एक डिवाइडेड बाई 2, सेम पावर से आप डिवाइड कर दो 2 to the power 4 करके। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 975436 40 / 16। तो आपके लिए बहुत सिंपल है इसको डिवाइड करना, सिंपल डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 6096 47500। अगर आप चाहते हैं कि इसको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। आप बहुत सारे एग्जांपल ट्राई करिए इसके ऊपर और चेक कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे ये सही है और इतना आराम से डिविज़न और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए इसे बार बार ताकि आपका क्लियर हो जाए, और सब्सक्राइब करना चाहिए को मत भूलिएगा, ना कि सीरीज़ को फॉलो करना भूलिएगा। मैथ्स की कंप्लीट सीरीज़ है ये, तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल, आपको प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को डेली सीरीज़ के वीडियोज़ के लिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पहुंच पाए हमारे पास, हम भी उनके पास पहुंच पाए, और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म बन पाए लोगों को पढ़ने के लिए और जानने के लिए, ताकि उनका सारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्लियर हो पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, दोबारा आते रहिए, धन्यवाद।